सो हमारी सीक्वेंस इन सीरीज में एक्सरसाइज 8.2 न्यूमेरिकल नंबर 13। क्या बोल रहे हैं न्यूमेरिकल नंबर 13 में? हाउ मेनी टर्म्स ऑफ जीपी दिस जीपी इज गिवन? क्या है जीपी? 3, 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, डॉट डॉट डॉट। कितनी टर्म्स आर नीडेड टू गिव दिस सम? 120। सम कितना है? 120। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं कि हम कितनी टर्म्स लेंगे ये जीपी में, सो दैट वो सबका सम कितना हो जाएगा? 120 हो गया। ये क्वेश्चन है। अच्छा, तो पहले तो जो दिख रहा है उससे हमें ये पता चल रहा है कि A1 कितना है? 3 है। Then R is equals to say A2 by A1, that is equals to 3 ka square divided by 3, that is equals to 3. Done? तो A और R तो हमें पता चल गया। Sum इतना होना चाहिए, ऐसा बोला है। कितनी terms लेंगे? क्या ढूंढना है? N ढूंढना है। Sum इतना है बोल दिया है, तो कितनी terms लेंगे? जैसे कि ये दो terms ली, अगर हमने एक term ली तो sum कितना हो गया? 3। दो term ली तो sum कितना हो गया? 3 का square 9 plus 3 12। तीन टर्म ली तो सम कितना हो गया भाई? 27 प्लस 9 दैट इज 36 एंड 3 39। ओके, तो ऐसे कितने टर्म्स लेंगे तो सम 120 होगा। ओके, तो हमारा Sn का फॉर्मूला, R कितना है? ग्रेटर देन 0 है। सो हमारा Sn का फॉर्मूला क्या है? Sn का फॉर्मूला है A R raise to n minus 1 upon R minus 1। Sn हमें गिवन है कितना है? 120। So, A कितना हो? नहीं, ये तो पता है ना, A है 3। ओके, R कितना है? वो भी 3 है। ओके, 3 raise to n minus 1 upon 3 minus 1, yes. So, हो जाएगा ये, कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा, 2 यहां multiply होगा तो कितना हो जाएगा? 240, और ये divide by 3 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 80, ओके. So 80 is equals to 3 raise to n minus 1. ये यहां आ जाएगा तो 81 is equals to 3 raise to n. Again 81 के factors निकालो, 3 का cube होता है 27 और 4 हो जाता है 3 raise to 4. Yes. So 3 raise to 4 81 होता है और 3 raise to n. Base same है, equal to का sign है, तो हम बोल देंगे कि n is equals to 4. अगर 4 term लेंगे तो इसका सम 120 हो जाएगा। तो अभी जो हमने किया तो था, ये 27 है, 27, 36, 39, ये तो 39 तो हो ही गया। 39 plus 3 raise to 4 मतलब 81 जाएंगे, तो 39 and 81 कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। तो एक ही टर्म ऐड करनी थी, that is n is equals to 4. Done? Okay. So that's it, छोटा न्यूमेरिकल था।